हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, कल सकुलेंट कलेक्शन की वीडियो अपलोड की थी मैंने चैनल पे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आप लोग का। कमेंट भी काफ़ी आए कि जो शौर्य नर्सरी है वहाँ जो सकुलेंट है उनके रेट काफ़ी अच्छे हैं। तो आज जो कलेक्शन में काफ़ी प्लांट्स उठाए गए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बहुत बड़ी नर्सरी है, तो जो कल आप लोगों ने प्लांट देखे वो आधे ही हैं, आधे प्लांट अभी आज की वीडियो में रिकॉर्ड होने वाला है। तो मैं काफ़ी प्लांट आज शो करने वाली हूँ, तो आप देख पाएंगे कि और यहाँ सकुलेंट की कितनी वैरायटी है, उनके क्या प्राइस है, प्लस नाम भी बताऊंगी मैं। एक्चुअली फ्रेंड, आज मैं आप लोग को एक मैसेज देना चाहती हूँ, और ये मैसेज स्पेशली ऋषिकेश के लोगों के लिए है, जो लोकल ऋषिकेश के लोग हैं। मेरे चैनल पे एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि जो लोकल ऋषिकेश में लोग हैं, जो मेरे व्यूवर्स प्लांट लवर हैं, गार्डनिंग है उनका, अच्छा सा छोटा सा या बड़ा सा गार्डन है और उन्हें प्लांट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और वो चाहते हैं कि उनका प्लांट शो हो, उसे सारी दुनिया देखे। अगर आप मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताते हैं तो मैं आपके घर आऊँगी, आपके गार्डन का और आपके प्लांट का वीडियो बनाऊँगी और मेरे चैनल पर अपलोड करूँगी। तो मेरे चैनल के थ्रू आपके जो प्लांट्स हैं और आपका जो ब्यूटीफुल गार्डन है उसे पूरी दुनिया देख पाएगी। तो ये फैसिलिटी अब मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप फटाफट अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूवर बनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। मैं आपके घर आऊंगी और आपके गार्डन को पूरी दुनिया के सामने दिखाऊंगी कि कितने खूबसूरत प्लांट है और कितने ब्यूटीफुल गार्डन है आपका। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं कि जो सकुलेंट के प्लांट बचे हुए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ विद नेम एंड प्राइस। फ्रेंड, आज की वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, ये कलेंचो का प्लांट है और कलेंचो विंटर में ही फ्लावरिंग करता है, सीजनल प्लांट है, वैसे तो पेरेनियल है लेकिन फ्लावरिंग ये विंटर में करता है। तो इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, बहुत सारे कलर हैं, तो आप यहां से ये प्लांट परचेज कर सकते हैं। जो 3 से 4 इंच के पॉट में प्लांट है उसका 180 प्राइस है, और जो छोटे से पॉट में है वो 2 इंच का है तो उसका 150 प्राइस है, 150 से 180 के रेट में है। और इसी में पॉली बैग में भी है तो उसका प्राइस कम है, वो ओनली 40 रुपीज़ में, तो आप वो भी प्लांट परचेज कर सकते हैं, प्राइस भी कम रहेगा और धीरे धीरे प्लांट ग्रोथ कर जाएगा तो फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से आप कलेंचो को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, ये एक्जोरा की ड्रॉप वैरायटी है, इसके कलर बहुत खूबसूरत होते हैं और ड्वाफ वाले में बड़ी सी बंचेस बन के आती हैं। प्लांट की स्पेशलिटी ये होती है कि प्लांट छोटा रहेगा लेकिन फूल ढेर सारे आएंगे, बंचेस बन बन के पूरा जो पॉट है वो भर जाता है। तो ये देखिए, ये 5 इंच के पॉट में है और इसका जो प्राइस है, छोटा प्लांट लेते हैं तो कितना, 40 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और 40 से 250 तक के प्लांट हैं इनके पास, हर तरह के साइज़ के और हर कलर के प्लांट अवेलेबल हैं। तो आप जो ड्वाफ वैरायटी है एक्जोरा की यहाँ से परचेज कर सकते हैं, 40 से 250 तक के रेंज में यहाँ अवेलेबल है ड्वाफ एक्जोरा का फ्लावरिंग प्लांट। और ये देखिए, नेक्स्ट प्लांट है क्रेसुला ओवाटा भी बोलते हैं, और इसे नर्सरी वाले भैया बोल रहे हैं कि लक्ष्मी कुबेर बोलते हैं, ये धन की वर्षा करता है, ये प्लांट घर में ऐड करना शुभ होता है, तो इसे आप लगा सकते हैं। ये इसकी छोटी सी बॉन्साई बनती है, बहुत खूबसूरत लगता है, बिग साइज़ की लीव्स होती हैं और धीरे धीरे जब प्लांट ग्रोथ कर लेता है तो बहुत ब्यूटीफुल बॉन्साई बन के तैयार होता है। तो क्रेसुला ओवाटा को भी एज अ शो प्लांट भी ऐड कीजिए, और इसे आपके घर के लिए शुभ भी माना जाता है, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। पॉली बैग में है तो इसका 40 रुपीज़, देखिए छोटे से पॉली बैग में है और इसका प्राइस है 40 रुपीज़। प्लांट काफ़ी हेल्दी है और थोड़ा ओल्ड भी हो चुका है, इस ब्रांच की थिकनेस दीजिए देख लीजिए, तो ये 40 रुपीज़, ओनली 40 रुपीज़ में, तो आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इस नर्सरी में सकुलेंट बहुत सस्ते हैं, अदर नर्सरी में जाएंगे तो ये 100-110 तक का मिलेगा, यहाँ ओनली 40 रुपीज़ में है। तो मैं खुद भी आज ये प्लांट परचेज करने वाली हूँ, कल की वीडियो में आप ये मेरे गार्डन में देख पाएंगे। नेक्स्ट प्लांट है बनी ईयर कैक्टस, इसे नागफनी बोलते हैं और बनी कैक्टस भी बोलते हैं, क्योंकि जो इनका शेप होता है बिल्कुल ईयर की तरह होता है, कान की तरह होता है देखिए, तो इसलिए इसे बनी ईयर कैक्टस भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग प्लांट होता है, कैक्टस की वैरायटी होती है वाइट एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में, ये टच बिल्कुल सॉफ्ट है इसका, कैक्टस प्लांट है बस इसमें थॉर्स नहीं है, कांटे नहीं है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। ये भी मैं अपने गार्डन में ऐड करने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग प्लांट होता है। देखिए छोटे से पॉट में है लेकिन इसका प्राइस 150 है और बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट है, बिग साइज़ का है, हेल्दी प्लांट है और धीरे धीरे इसे ग्रोथ करनी है, तो आप इसे 150 में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अदर नर्सरी में आपको ये प्लांट इस प्राइस पे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए ये कुछ रेयर प्लांट है, देखने में काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी यूनिक है, ये प्लांट आपने देखा नहीं होगा, ये सकुलेंट की वैरायटी है और इसका नाम लिथोप है, इसमें फ्लावरिंग भी निकलती है, इसमें आगे चल के फ्लावर्स भी होते हैं भैया बता रहे हैं, और बहुत छोटा प्लांट है लेकिन काफ़ी रेयर है इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा अलग है। ये देखिए सिंगल ब्रांच है, 350 का है, क्योंकि इसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है और काफ़ी कम ही ये देखने को मिलेगा। थाईलैंड का प्लांट है ये, यहाँ नर्सरी में शौर्य नर्सरी में अवेलेबल है, तो आप इस प्लांट को परचेज कर सकते हैं, जब ग्रोथ करेगा तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देगा।
तो ये लिथोप का प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है क्रेसुला। ये क्रेसुला की वेरिएगेटेड वैरायटी है। क्रेसुला में कई कलर और डिज़ाइन के प्लांट आते हैं, तो आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका लुक कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है क्योंकि वेरिएगेटेड है। वेरिएगेटेड प्लांट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और इनके पास स्टॉक भी काफ़ी सारा है, तो बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है ये क्रेसुला। सकुलेंट प्लांट है। इसकी प्राइस 150 है फ्रेंड, छोटे से पॉट में है। सकुलेंट ज़्यादातर छोटे पॉट में ही होते हैं, तो ये 150 में अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हेल्दी प्लांट है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, तो आप इसे यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बाकी कल मैंने वीडियो में ये दिखा दिया था आपको, विष्णु कमल भी दिखाया था और लक्ष्मी कमल भी दिखाया था। देखिए काफ़ी सारी वैरायटी है। और नेक्स्ट प्लांट है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट इतना खूबसूरत प्लांट होता है, हर प्लांट को थोड़ी सी लाइट चाहिए होती है, लेकिन ये ऐसा प्लांट है कि आप इसे इंडोर डार्क प्लेस पे भी रखते हैं तभी भी ये ग्रोथ करता रहता है, तो ये काफ़ी अच्छा चलता है इंडोर में, और इसे सनलाइट से बचाना पड़ता है अदरवाइज़ इनकी लीव्स बर्न हो जाती है। तो जीजी प्लांट इनके पास देखिए कितना सारा कलेक्शन है, बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, आप यहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी प्राइस है छोटे प्लांट से लेके बिग साइज़ के प्लांट तक हैं, देखिए बड़े पॉट में भी है, तो 150 से लेके 150 से लेके यहाँ पर 350-400 तक का प्लांट अवेलेबल है। तो जिस साइज़ का प्लांट लेते हैं उतना प्राइस पे करना पड़ेगा। देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और इसकी ग्रोथ होती है तो ऐसे बुश बन जाता है। तो ये जीजी प्लांट, कल मैंने आपको छोटे पॉट में लक्ष्मी कमल दिखाया था, ये देखिए ये बिग साइज़ का है। पॉट छोटा है लेकिन प्लांट का साइज़ बिग साइज़ का है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुका है, लेकिन प्राइस इसका भी कम है। कल वाले प्लांट का मैंने आपको रेट बताया था, ये 150 का है। देखिए कितने बिग साइज़ का प्लांट है। इसमें दो वैरायटी है फ्रेंड, एक तो ये वैरायटी है, दूसरी ये है जिसकी टिप पे रेडिश कलर है, ये अलग लुक देगा, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और दूसरा ये है। तो दोनों तरह के प्लांट आप लक्ष्मी कमल का यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ओनली 150 की प्राइस है यहाँ पर शौर्य नर्सरी में लक्ष्मी कमल। नेक्स्ट प्लांट है सकुलेंट। ये भी एक सकुलेंट की वैरायटी है, अभी मुझे नाम याद नहीं है बट मैं स्क्रीन पर इसका नेम डाल दूंगी। देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इनकी साइज़, इसके लीफ का साइज़ बहुत बिग साइज़ का होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, और जैसे जैसे विंटर स्टार्ट होगी ना फ्रेंड, इनकी जो एजेज है ना ये रेड हो जाती है। जितना कोल्ड वेदर होगा उतनी इसकी रेडिस बढ़ती जाती है और एकदम रेड कलर लुक आता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आता है। तो मैं स्क्रीन पर नाम दूँगी तो आप इस प्लांट को देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है। 150 है इसका प्राइस भी, सेम है 150 और छोटे से पॉट में लगा हुआ है। ये देखिए लक्ष्मी कमल का काफ़ी सारा स्टॉक है। यस नहीं कर प्लांट एग्लोनिमा की एक वैरायटी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लीव्स है इनकी। देखिए इस तरह से कुछ व्हाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। न्यू लीव्स आती है तो कुछ वाइटनेस ज़्यादा रहती है, और जब ओल्ड होती हैं तो ऐसा ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन बन के आता है। बहुत सारा स्टॉक है इनके पास और बहुत अट्रैक्टिव सा लुक आएगा अगर आप इसे इंडोर रखते हैं। तो प्यारा सा प्लांट है, आप इसे यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये 6 इंच के पॉट में है और इसका प्राइस 350 है, और काफ़ी हेल्दी प्लांट है इसलिए इसका प्राइस बिल्कुल सही है इस प्लांट के अकॉर्डिंग। तो आप इसे यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं इसका नाम भी दे दूँगी, एग्लोनिमा की एक वैरायटी है ये। नेक्स्ट है सेंसीवेरिया। ये वेरीगेटेड सेंसीवेरिया है। इसमें ड्रॉप वैरायटी भी अवेलेबल है और लॉन्ग वैरायटी भी अवेलेबल है। देखिए काफ़ी सारे प्लांट्स हैं इनके पास, तो आप ड्रॉप वैरायटी और लॉन्ग दोनों ही परचेज कर सकते हैं। दोनों ही पॉट में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देते हैं। ये इंडोर और आउटडोर दोनों चलते हैं, दोनों तरह से इनकी ग्रोथ प्रॉपर होती रहती है। छोटा प्लांट 80 रुपीज़ का है जो आप छोटे से पॉट में देख रहे हैं, और बड़ा प्लांट लेते हैं बड़े पॉट में लेते हैं तो 450 तक की रेंज में अवेलेबल है। जितना बड़ा प्लांट होगा उतनी ज़्यादा प्राइस होगी। तो ये खूबसूरत प्लांट होता है सेंसीवेरिया या स्नेक प्लांट। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड मकड़ी जाला सेकुलेंट बता रहे हैं भैया इसका नाम, और देखिए इस पर जाला बना हुआ है। सच में इस पर बिल्कुल मकड़ी का जाल बना हुआ है और बहुत ज़्यादा अलग सा लुक दे रहा है ये प्लांट जो मैंने सकुलेंट दिखाया उनसे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक छोटे से पॉली बैग में है पूरा, जो 10 से 12 प्लांट होंगे इसमें बेबी प्लांट, और पूरा ये पॉलीथीन है वो भरा हुआ है, और रेट ओनली 80 रुपीज़ है। 80 रुपये में आपको एक साथ 10-12 प्लांट मिलते हैं, इतना सस्ता प्लांट आपको कहीं नहीं मिल सकता। देखिए काफ़ी सारा स्टॉक है इनके पास, बहुत सारे प्लांट हैं और सारे ऐसे ही बेबी प्लांट से भरे हुए हैं, बहुत सारे प्लांट हुए हैं एक ही पॉली बैग्स में। तो आपको यहाँ से ये प्लांट परचेज कर सकते हैं। इसका नाम है मकड़ी जाला सकुलेंट प्लांट। लक्ष्मी कमल जैसा ही लुक आ रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, देख सकते हैं आप।
नीचे भी सेंसिवेरिया की बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है। देखिए पूरा जो भर भर के इन्होंने स्टॉक रखा हुआ है, तो यहाँ प्लांट की कोई कमी नहीं है। आप जब भी आएंगे यहाँ ढेर सारा प्लांट आपको मिलेगा। ये देखिए कल मैंने एंजोय पोथोस और गोल्डन मनी प्लांट दिखाया था, ये भी यहाँ रखे हुए हैं। ये सीडम ग्रास, गोल्डन कलर का सीडम ग्रास का वैरायटी है और यहाँ पे छोटे छोटे पॉट में रखे हुए हैं, तो आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं। ये हैंगिंग पॉट में लगता है, मेरे गार्डन में है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, आप देख पाएंगे कि ये कितना खूबसूरत, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, पूरा पॉट भर के हैंगिंग में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो सीडम ग्रास को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है इंग्लिश आईवी। इंग्लिश आईवी एक हैंगिंग प्लांट होता है और साथ में सकुलेंट भी होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। वेरीगेटेड प्लांट जितने भी होते हैं बहुत अट्रैक्टिव लुक देते हैं और इनका देखिए ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। जो लीफ होती है इसमें बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं ये और देखिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास, इतने सारे प्लांट पड़े हुए हैं। ये छोटे से पॉली बैग में है। ये देखिए ये एक एलोवेरा की वैरायटी है, अलग सा लुक है लेकिन खूबसूरत लग रहा है बहुत ज़्यादा, और कलर भी थोड़ा इसका वाइटनेस में आ रहा है। डबल शेड में है, वाइट एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है और ड्वार्फ वैरायटी है, छोटे छोटे पॉट में है और ये भी आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ओनली 80 रुपीज़ के प्राइस में ये अवेलेबल है, 80 रुपये में आप इसे इस तरह खरीद सकते हैं और प्लांट काफ़ी हेल्दी हो गया है। फ्रेंड ये नेक्स्ट प्लांट है, ये एक सकुलेंट की वैरायटी है, इसका नाम मैं स्क्रीन पर दे दूँगी और बहुत ज़्यादा अलग सा लुक दे रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ये एक शो प्लांट है, खूबसूरत लुक दे रहा है। काफ़ी सारे प्लांट हैं इनके पास, पॉट में है और 180 के प्राइस में है। 180 में आपको ये प्लांट अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है ये प्लांट, देखिए अलग सा लुक देगा आपके गार्डन को। ये नेक्स्ट प्लांट है कैक्टस, ये कैक्टस की एक वैरायटी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं नाम भी दे दूँगी आपको। और काफ़ी सारा प्लांट है इनके पास, ये देखिए कुछ अलग सा लुक आएगा इस कैक्टस का, राउंड राउंड सा शेप बना हुआ है और प्यारा लग रहा है। तो आप इस प्लांट को ओनली 50 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं। देखिए पॉट में लगा हुआ है, ओनली 50 रुपीज़ का प्लांट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप चाहें तो इस प्लांट को यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, कैक्टस की एक वैरायटी है। काफ़ी सारे कैक्टस प्लांट है, कल भी मैंने वीडियो में शो किया था, तो कैक्टस की काफ़ी वैरायटी है। कैक्टस में फ्लावर भी खिलते हैं, तो जैसे जैसे विंटर स्टार्ट होगा कैक्टस में फ्लावर्स खिलने शुरू हो जाएंगे। ये भी कैक्टस की एक वैरायटी है, देखिए एक बिग साइज़ का पॉट है, साइड में इतने सारे बेबी पप्स बन गए हैं। इनमें जैसे ही प्लांट थोड़ा सा मैच्योर होता है मेन प्लांट, तो उसमें बहुत सारे बेबी पप्स बनने लगते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। एक सिंगल प्लांट खरीदिए, उसके साथ इतने सारे बेबी पप्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप 8 से 10 प्लांट इनके बना के तैयार कर सकते हैं। ये बिग साइज़ का जो है वो 300 का मिलेगा और जो छोटा पॉट है वो 150 का मिलेगा, तो रेट बिल्कुल सही है जितने प्लांट इसमें ग्रो हो चुके हैं। ये देखिए ये कुछ अलग प्लांट है, ये मैंने नहीं देखा है, ये बहुत ज़्यादा अलग सा लुक देगा आपके गार्डन को। कैक्टस की एक अलग वैरायटी है लेकिन इसमें कांटे नहीं है फ्रेंड, कांटे बिल्कुल भी नहीं है और लुक भी बहुत खूबसूरत, ग्रीन एंड कुछ पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन है और कुछ अलग सा ही डिज़ाइन बना हुआ है, तो प्यारा लग रहा है। इसका प्राइस 350 है इसका प्राइस, देखिए 350 में इतना खूबसूरत प्लांट आपको मिल जाएगा छोटे से पॉट में लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए फटाफट मैं दिखा देती हूँ कुछ कैक्टस है, ये देखिए ज़ेब्रा हवर्थिया का प्लांट है, ये कैक्टस है, ये भी अलग कैक्टस है, ये भी अलग कैक्टस है और ये भी, बहुत सारी कैक्टस की यहाँ वैरायटी है, कुछ अलग अलग तरह के प्लांट हैं। तो आप इस नर्सरी को विज़िट करें। एक और प्लांट आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये वेलवेट प्लांट है, इसका कुछ अलग सा ही लुक है, सॉफ्ट सी लीव्स होती है और इनमें कुछ रोएं से बने होते हैं फैदर से, तो बहुत अच्छा सा लुक देता है और कुछ वेलवेट का टच है इसमें, तो ब्राउन कलर और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है ना, तो अलग सा लुक आता है, देखिए बहुत प्यारा लगता है। ये 150 का है, ओनली छोटे से पॉट में है, ओनली 150 में ये प्लांट भी आपको मिल जाएगा। ये एक और प्लांट है फ्रेंड, हैंगिंग पॉट में लगा हुआ है, काफ़ी बुशी लुक बन गया है और इसका प्राइस अभी मुझे नहीं पता, भैया थोड़ा सा बिज़ी हो गए हैं। तो आप यहाँ आएंगे नर्सरी में तो देखेंगे कि कितनी सारी वैरायटी है, इतने सारे सकुलेंट है यहाँ, काफ़ी सारा कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत प्लांट हैं। तो आपको इस नर्सरी को एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए ताकि आप अपने गार्डन को और ज़्यादा वैरायटी से भर सकें। देखिए कितना सारा प्लांट है, ये सारा का सारा सकुलेंट है, ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा सकुलेंट से और कैक्टस से ये नर्सरी भरा हुआ है। तो आपको यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए कि अलग अलग तरह के प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकें। तो बस आज की ये वीडियो थी और मैंने सारे ही सकुलेंट प्लांट दिखा दिए जो शोर नर्सरी में अवेलेबल है।
कल जो वीडियो अपलोड किया उसमें आधे प्लांट दिखाए थे और आज की वीडियो में आधे प्लांट दिखाया, तो पूरे ही प्लांट कवर हो चुके हैं। मुझे यकीन है आप लोगों को ये प्लांट्स पसंद आएंगे। इनकी प्राइजेस और नाम भी बता दिए हैं मैंने, तो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे मेरी वीडियोज़ देख पाएंगे। आगे भी मैं नर्सरी विजिट की वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मुझे यकीन है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर देंगे ताकि यूँ ही मेरी वीडियोज़ देखते रहें। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना, अपनों का और अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।